हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हो चुकी है आज के मेरी न्यू वीडियोज़ की शुरुआत। अभी बज रहे हैं 10। तो फ्रेंड्स, आज है भाई दूज, तो आप सभी लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हमारे घर में भी मनाएंगे अंशु पीयू भाई दूज। तो अभी मैंने अपना सारा काम कर लिया है, नाश्ता वास्ता भी बना लिया है, तो अभी करते हैं पहले भाई दूज की। तो पीयू तो हो चुकी है रेडी, पर अंशु भी तैयार नहीं है। अच्छा, मिठाई भी तो चाहिए, मिठाई लेके आओ भैया, जल्दी कर भैया, जल्दी कर। ये देखो लगा है। तो पीयू हो रखी है इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, कह रही कि ये मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आया करके कि, और ये तो वैसे भी नहीं देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भाई दूज मरने से पहले लड़ाई हुई, उससे पहले लड़ाई हुई थी, अभी फिर से लड़ाई हुई, उसको तोड़ना नहीं है। तो ये हो चुकी है हमारी तैयारी। ये भाई दूज मन, ये भगवान, ये देखिए दोस्तों, ये है भाई दूज। इससे पहले भी बहुत लड़ाई हो चुकी है, और अभी और फिर से होगी। क्या ये जंगली ऐसा, ढंग से कर। पीयू चावल भी लगा दे। फिर उल्टा सीधा मत करना, हम पिछले साल की तरह लड़ाई लड़ाई मत हो, लड़ाई ना हो जाए इस बात पे। क्या बोल रहे हैं तू ऐसा? चावल भी लगाओ ना। अगर मेरे को पता चला मैं टीका है, मैं सारा वो टीका तेरे सर में लपोड़ूंगी। अरे चावल तो लगाई नहीं। अरे पहले वो टीका लगाओ ना ढंग से। ढंग से करना, ढंग से कर, ढंग से। क्या हो रखा है ये, चल रहा है ऐसे मत कर, हाथ बोल दूंगी तेरा। जंगली क्या, उसको ही क्या खिला रही, हम भी तो है यहाँ पे, मुंह लगा रखा है, मुझे भी खिला। खाना गिफ्ट के लिए तैयार। पीयू को पता नहीं क्या गिफ्ट मिला। क्यों ऐसा क्या ला रखा है तूने पीयू के? गिफ्ट दे दे भाई उसको, कुछ दे दे। इसको भी लूंगी मैं। ये ₹150 चाहिए। तो अभी हो चुका है पीयू और अंशु का भाई दूज भी, तो आपने देख ही लिया होगा इन दोनों का भाई दूज का मौत, लड़ाई और झगड़ा ज्यादा है। ₹5 दे रहा है, अभी ₹5 और बड़ा दे रहा, वो भी पुराना। ये सिक्का देखा है कहीं ऐसा? कौन सा? काला सा। ₹150 चाहिए मेरे को, जेब खाली का, खुद भी का, या फिर मेरे को अपनी टी-शर्ट दे। ओवरसाइज बनाई गिफ्ट के नाम पे। पीयू को अपनी ये पुरानी टी-शर्ट है फेंका रहा, क्या है तू ऐसा? फेडेड है, मैं नहीं पहनूंगी। पीयू क्यों पहनेगी तू उसकी इतनी पुरानी टी-शर्ट है? पैसे दे। तो आज जा रही हूँ मैं प्रेमनगर, और वहाँ से जाना मुझे सैला कोई, तो वहाँ है मेरा कुछ काम। अंशु हेलमेट लाना जरा, दे अंशु। यहाँ बाहर पे है ना, हेल्प कर देना, ठीक है? ये रखना ऊपर यार, वो लेके आना, अभी तो नहीं पहनती है जैकेट।
अभी इसको डिग्गी में रख लो ना। आप मैं घर गया था। गिफ्ट आपको तो दिया था, आपको मैंने आपको तो दिया था। कहाँ रखा? वहीं पे लगा देना गिफ्ट रैप। अबे रैप थोड़ी ना लगाना है, इससे कोई कागज चाहिए था ना जिससे कि वो ना हो जाए। इसको नीचे रखो, उसको ऊपर रखो। नहीं लग रहा रे, मेरा जैकेट गंदा हो गया, छे उल्टा मेरा जैकेट गंदा हो गया। एक रबड़ पहन लिया, एक रबड़ पहन लिया, चल जा। ठीक है, इसमें है कटोरे ये खून के लिए। दिखा तो दो, दूर से दिखा रही चल रहा था। हो गया मेरा वो देख। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूं पंडितवाड़ी, तो मैंने यहां से लिए कुरकुरे बच्चों के लिए, तो अब चलते हैं सीधे पूनम के घर पे। तो मैं पंडितवाड़ी से ही निकलूंगी उसके घर के लिए, पूरा प्रेम नगर नहीं जाऊंगी, पंडितवाड़ी से जाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूं प्रेम नगर। टेसी को भगा, लेकिन यहाँ है टेसी तो मैं ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि वो काटता भी है कभी कभी। वैसे तो वो मुझे पहचानता है लेकिन फिर भी। ए पकड़ रहे थे उसको, ये इधर ही बैठा होगा। जल्दी। तो मैं आ चुकी हूँ, मैं कर दी यहाँ पे। आ रहे, ये एक ये बच्चा है मेरे पास। हेलो गाइस, और सब बढ़िया? बस कैसे कहाँ हैं? और ये रहे ताना और कशिश। कशिश को। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी बहन के घर, तो ये है मेरी बहन। हेलो दोस्तों। तो इसको तो आप सब लोग जानते होंगे। सब भी नहीं जानते। हाँ मतलब जो मुझे जानता वो इसको ही जानता। हाँ, ही होगा। नीलम के पड़ोसी जानते हैं मुझे। हाँ, और नीलम के थोड़ा बहुत मोहल्ले वाले जो जो भी है, और क्या बोलते हैं मेरी दोस्त जानती है इसको। हाँ, फ्रेंड लोग जानते हैं। और तो इसका नाम है पूनम, क्या थी नाम? पूनम भरतावल। बस पूनम ही लगा। मैं इसको भी पूनम रावत ही बोली। रावत नहीं, रावल बोला इसने मुझे। रावल। तो इसका नाम है पूनम, पूनम भरतवाल। पूनम भरतवाल, पूनम ही बोल दो मुझे, बहुत है। इसका नाम है पूनम भरतवाल, ये रहती है प्रेम नगर में। तो आ जाए मैं यखी यखी। तो अब हमने यहाँ से जाएंगे भात। अभी हम अब खाना भात खान। अब हम भात खाते हैं, तो इसके बाद जाएंगे हम दोनों। गाइस मैं मोटी भी हो चुकी हूं, तो हमारा तो ये है इसके यहाँ का नज़ारा प्रेम नगर का। ये देखिए आप, तो ये रहे मेरी बहन के दो अनमोल रत्न। देर में गाइस हम जाएंगे घूमने। घूमने ना, सेलो कोई जाना मन सेलो कोई। मेरे को तो घूमने का ही है क्योंकि मेरे तो कुछ काम है नहीं, इसके साथ जाऊंगी तो कौन सी बात है, मैं घूमने ही जाऊंगी। काम से जाना घूमा तब तू ये खुद घूमने बोली थी, तो और तो घूमने ही बोलेंगे उसको। लेकिन हाँ ये नहीं, काम है पर घूम घाम के भी आ जाएंगे हम अपने प्लॉट में जाऊंगी, तो वहाँ आप लोग बने रहना वीडियो के साथ, आपको भी दिखाऊंगी वहीं। हम वहाँ पे ना आलू 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 लगा देंगे, खोद देंगे आज। अच्छा हाँ पूरा पहले दियो अकले था प्लॉट छेजे नीज तो पुनः और फिर दूसरा अंदर नहीं हथेली। नहीं नहीं अब तो पूनम ने मुझे दिया सीधे ये। टेस्टी है, मैंने इसमें सारा कुछ डाल रखा, घर का नमक था, मैंने खुद ही पीसा हुआ था। क्या सो है? हरी मिर्च और घर का नमक था जो, और थोड़ा सा हल्का चीनी। ये कौन चबूतरा? इधर पीछे आंटी ने दिया।
मैं तनु और आंटी लोगों को दिया कशिश खाना, खा ले पूरा। अच्छा और खा ले अभी नींद उधर ही बात बढ़ो ते तो मैं दा सवेरे बड़ा इचे मेरी और मैं भूख से ऐसी अकड़ गई था से मैं सोची ये प्रेम नगर जे सीधा भात खाणो मिलु तो यो भात अब बन चावल नहीं थे भाई ये तो बता दे चावल कम खाते हम चावल कम खाते हैं तो हम इसलिए चावल रहते ही हाँ, बहुत कम रहते तो अभी गई मैं नीलम के लिए लेके आई लोग उन्हें खा लिया खाना और हम लोग निकलते हैं सैलपुरी के लिए क्या खुजो नहीं अभी सॉक्स नहीं मिलेगी चल सॉक्स नहीं पे रखे हुए थे मैंने मिलना खाया हूँ ना इसको तुम रख दो अपने पैकेट में मैं वो रखती हूँ गाय का खाना तो फ्रेंड्स अभी हेलमेट छोड़ गया ऊपर ही तो पूनम जा रही थी हेलमेट लेने तो मैं रुकी हूँ उसको यहीं पे आ जाए जल्दी चल गाड़ी तो चलो वहाँ यू बात कह दी ले यू बात का पकड़ इधर कर देंगे ले पहले पकड़ दो अब स्वेटर चल पीछना खेच यही ऑर्डर है अभी यहाँ से हम बालाजी मंदिर में जाएंगे अभी दो मिनट सैलो कोई हम लोग करना वहाँ पहुँचे अब मुझे लग रहा हमारा प्लॉट आने वाला है पर हमें पेंट का डब्बा नहीं मिला पड़ेगी और हमें पेंट का डब्बा नहीं मिला पेंट का डब्बा को डब्बा आगे चौक पे देख लें दो तीन नेल पेंट ले लेंगे हम वो भी रखे जो ले क्या चल चल वहाँ आगे पे रोक गाड़ी पहुंच चुके चौक पे इतनी आसान हम मालूम हाँ ठीक है जान तो अब लेते हैं छोटा वाला पेंट और तो नहीं किसान मालूम हम होते छोटा वाला पेंट है भैया 45 का ये आप बोल रहे हो जमा हुआ था क्या जमा नहीं ऊपर तेल लगा अच्छा मिला देना ठीक है ब्रश भी दे दो एक छोटा सा तो अब हम पहुंच चुके हैं ये क्या है इसका नाम अटैक फार्म के अपने प्लॉट के पीलू छे ना बड़ी ताकि अच्छा ये है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर आजकल यहाँ बहुत बहुत खतरनाक वाली झाड़ी इस पर लिख रहे नंबर नीचे से ऊपर की साइड को लिखेंगे ना तो यहाँ का हाल ये है देखिए अभी कुछ टाइम बाद यहाँ अच्छा हो जाएगा जब ठंडियों का मौसम आ जाएगा अच्छे से तो ये पूरा सूख जाएगा क्योंकि ये आजकल बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी हैं तो यहाँ पे तो है इन लोगों ने भी पेंट वगैरह कुछ नहीं कर रखा और ये सामने दिख रहा है ना तो ये है मुर्गी फार्म लेकिन ये हटेगा अभी कुछ टाइम बाद क्योंकि ये हट रहा है शायद अब यहाँ बहुत कम है तो ये इधर भी सब लोगों के घर बने हुए हैं इस साइड तो यहाँ पूनम लिख रही है नंबर क्योंकि इन प्लॉटों का कोई भरोसा नहीं है कोई कितने मालिक आ जाएंगे तो इसलिए नंबर लिख के रखा हुआ है
तो इसलिए यहाँ पे नंबर इसलिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है ज़मीनों का, क्योंकि कोई भी आ जाता है और यहाँ पे अपनी बाउंड्री करके चले जाता है और कि ये हमारा प्लॉट है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर वालों ने इतना मतलब झोल मोल कर रखा है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिख रखा है। तो और जगह लिखना है वो तो क्या ये पकड़े खल तो पार क्यों ये क्यों बाहर आई छाप ना तो गाढ़ा गाढ़ा अरे बहुत गाढ़ा है नहीं ना वो तू दिख नहीं रहा छाव नहीं हुई आई भाई पेंट है वो पानी नहीं है जो वो हो जाएगा। तो अपार का हमारा ये तो हमारा ये प्लॉट हमें लगभग 10 साल बाद मिल रहा है क्योंकि हमने ले लिया था इसको 2013 में और 2023 में हमें इसका कंफर्म पता चला कि ये हमारा प्लॉट है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा डर इसलिए भी है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अपने मतलब दूसरे के प्लॉट में अपनी बाउंड्री करते हैं और बेच देते हैं कि ये हमारा प्लॉट है करके की, तो इसलिए यहाँ पे देखने आना पड़ता है बार बार। तो फ्रेंड मुझे तो ये लगभग जुलाई में मिली ना, तो लगभग जुलाई में मिला था मुझे, तो उसमें मैं 2 दिन आई थी तो मैंने इनमें करी थी जो ये पिलर कर रखे ना ये खड़े ये चारों तरफ चार फुट की ये चार। और यहाँ ये पूनम लिख रही है नंबर, मैंने कहा चलो पेंट लेके, पेंट का डब्बा ले रखा है छोटा सा तो नंबर लिख रही है यहाँ पे तो yes, तो अब हमारे लाल पीली हो चुकी हूँ इससे, होली में भी नहीं हुई थी तो अब हमारा पेंट हो चुका है तो हम लोग जा रहे हैं अब सीधे घर। फिर तीसरे दिन आई थी मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ, तो उस दिन मुझे कोई नहीं मिला, पूनम के बच्चों के टेस्ट था तो वो भी नहीं आ पाई और कुसुम और के बच्चे छोटे हैं तो वो नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ तो पूरा दिन लगता है जब आते हैं तो यहाँ पूरा, तो वही आई थी मेरे साथ 6 नंबर से, तो मैंने उसको बोला था कि एक दिन की चल मेरे साथ वहाँ सैलो कोई चलना कि इतनी दूर के लिए मेरे साथ कोई नहीं हो रहा है, तो उस दिन वो आई थी मेरे साथ। तो पहले दिन तो मैंने उसको फ़ोन करा तो लेकिन उस दिन उसका स्विच ऑफ था तो उसका फ़ोन ख़राब हो गया था उस दिन, तो उस दिन हम तैयार हो रहे थे। तो फिर उसने दूसरे दिन भी आए हम, लेकिन दूसरे दिन इतनी मोटी बारिश थी लेकिन उस बेचारे ने कहा कि चल ऐसी चल के, हम दोनों ने रेनकोट पहना तो हम दोनों ऐसी आ गए रेनकोट पहन के और आते आते हम इतना भीगे कि मैं बता नहीं सकती। फिर हम यहाँ प्लॉट में आए फिर हमने देखा क्योंकि मैं यहाँ देखने आई थी कि कितनी यहाँ झाड़ियाँ कितनी हो रखी और इन्होंने वो सही से कर रखा कि नहीं कर रखा है। तो उस दिन हम लोग फिर हम घर भी इतनी देर से पहुँचे उस दिन और ऊपर से और तो और हम दोनों उस दिन खड़ी स्कूटी से भी गिर गए थे, जूस पीने के लिए रुके थे खड़ी स्कूटी में बैठे और उसी में गिर गए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से, ये मेरे पास है कंबल का थैला नहीं भाई ब्लैंकेट और पूनम आ रही है पीछे स्कूटी लेके। तो इन पे कौन अपने कपड़े ख़राब कर रहा है ऐसे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ पैदल। मम्मा सारा कपड़ा ख़राब हो गया चीज चीन ये यूँ कुमरू बदल गया कम हो भी ये कम हुआ पैसे भी मांगा भी लगा हमें मिल गए हैं यहाँ पे आंटी जी लोग, तो ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं तुम का चीन आंटी हम चमोलीज बेटा ये हम ये का चीन तुम भी चमोलीज चमोल के गाँव हम चमोल लंगासवा लंगा अच्छा हाँ तो हम गए। तो अब हमने निकाल दिया अपने जैकेट क्योंकि अब ठंडा होने बैठ गए तो अब हम जाते हैं हम कह रास्ता जा हम जाना बावला रास्ता क्योंकि हमने देनी अपनी वो इसने देनी अपनी सहेली को कम्बल और कम्बल सजो ना ना मैं बोली ना ना जी ना न्यू नहीं काम उल्टा जी ए ये पर तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से तो हम निकलेंगे भावला भावले बट जाना नहीं हम निकलेंगे भावला के रास्ते से। तो अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा हम पूनम ने मंगवाई चाउमीन की, हम चाउमीन खाते करके की तो थोड़ा हमने थोड़ा मोमोज खाए हाफ प्लेट और ये चाउमीन मैंने खाती मैंने कहा नहीं यहाँ पे हम दोनों के सिवाय कोई नहीं बैठ रखा है आजकल भीड़ नहीं है ना आजकल सारे आजकल क्या है हॉस्टल वगैरह सब
इसलिए भीड़ नहीं है। अच्छा तभी इस साइड यहाँ अभी कोई नहीं है तो हम दोनों आ रखे, तो अब हम लोग भी चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सैलाकुई से घर, तो आते आते हमें रात हो गई थी, तो अब हमारा बन रहा है खाना। तो पूनम काटिया की सब्जी काटनी लो, मैं बनाऊंगी आलू की खिचौड़ी और उसमें डालेंगे बड़ी छोटी छोटी करके, जो बहुत ही लजीज और टेस्टी होती है। क्या हुआ? आलू की सब्जी बनाओ। आलू की सब्जी खाएगा तो ये बनाएगी न्यूट्री। तुम खाते हो मुझे पता है। ये देखिए ये रंगोली, यहाँ कढ़ाई का ढक्कन बना रखा है। मैं भी करती हूँ जरा पूनम की हेल्प, मैं भी जरा आटा उटा गूंथती हूँ। ये सब झूठ है गाइस। ए सब ना बोलवा, ये सब झूठ है। पूनम का किचन देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ की लाइट हो गई फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो गया। जहाँ पे हमने जहाँ पे हम लोग उन्हें बैठना था वहाँ पे बल्ब भी फ्यूज हो गया। तो फ्रेंड्स पूनम ने बना दी रोटियाँ, तो अब हम लोग खाते हैं। तो इसके इस वाले रूम में लाइट नहीं है तो इसलिए अंधेरा आ रखा है। और ये है सरिता, ये आंटी की बेटी है, ये है सरिता। पीयू ने बना, पूनम निकालो, ये घी मेरा है ना। अच्छा सबका ये। तो फ्रेंड्स हम लोग उन्हें खा लिया है खाना। तो ये देखिए कशिश की ड्राइंग बुक, कशिश बना रही बहुत सारी ड्राइंग्स। तो अब हम लोग, हम पहले इनको सुलाते हैं फिर हम सरिता के रूम में जाते हैं। बगल पे सरिता रहती है, इनके पूनम के मकान मालकिन की इनकी बेटी। तो हम जाएंगे उसके साथ बैठने, तो हम थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर देखते हैं, तो फिर उसके बाद आएंगे हम सोने। लेकिन पहले क्या कहना, सो जा, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। हेलो गाइस, आप मेरी जेठी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स पूनम तो सो चुकी है। तो हम दोनों तो अभी बैठे हुए थे, तो अब हम लोग भी सोते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, गुड नाइट।